क्वेश्चन नंबर सिक्स, बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बीएसी इंटरसेक्ट साइड बीसी एट पॉइंट डी, प्रूव दैट ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। क्या दिया हुआ है फिगर में? एंगल बीएसी को जो बायसेक्टर है कौन सा, एडी, वो बीसी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है करके दिया हुआ है। अब आपको प्रूव क्या करना है यहां पर, ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, ए बी बी डी से बड़ा है करके प्रूव करना है। तो कैसा प्रूव करेंगे, तो ए बी बी डी से ग्रेटर प्रूव करने के लिए ए बी का अपोजिट एंगल ये वाला ए डी बी किससे ग्रेटर बताना पड़ेगा, बी डी के अपोजिट एंगल बी ए डी से ग्रेटर बताना पड़ेगा वहां पर। तो देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है, एडी जो है एंगल बीएसी का बायसेक्टर है। तो बायसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल एंगल डिवाइड करता है। एंगल बीएडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीएसी, स्टेटमेंट वन इन ब्रैकेट रीजन रे ए डी इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, एंगल ए डी बी, दिस एंगल इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, वी राइट हियर एंगल ए डी बी इज द एक्सटेरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेरियर एंगल थ्योरम, द एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज greater than its remote interior angle. So here angle ADB is external angle and angle DAC is its remote interior angle. So angle ADB is greater than angle DAC. यहां पर angle ADB क्या है, external angle है, और angle DAC क्या है, उसका remote interior angle है। इसलिए एंगल ए डी बी जो है एंगल डी ए सी से बड़ा रहेगा यहां पर। तो यहां लिख देंगे आप एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल डी ए सी, स्टेटमेंट टू, रीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, देखो वन में क्या है, एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ए सी के, टू में क्या है, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल डी ए सी के।
अब एंगल डीएसी एंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल एडीबी किससे ग्रेटर रहेगा, एंगल बीएडी से ग्रेटर रहेगा वहां पर, तो यहां जाएंगे एंगल एडीबी इज ग्रेटर देन एंगल बीएडी इन ट्रायंगल एबीडी, एंगल एडीबी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए डी, सो साइड अपोजिट टू एंगल ए डी बी इज ए बी एंड साइड अपोजिट टू एंगल बी ए डी इज बी डी, सो ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, सो ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, रीजन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. Here we complete question number 6. Question number 7. In figure, segment PT is the bisector of angle QPR. A line through R intersect ray QS at point S. Prove that PS is equal to PR. क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फिगर में रे पीटी जो है एंगल क्यू पी आर की बाइसेक्टर है, और क्या दिया हुआ है, अ लाइन थ्रू आर इंटरसेक्ट रे क्यू पी एट पॉइंट एस, दिस लाइन आपको प्रूव क्या करना है, पी एस इज इक्वल टू पी आर. अब पी एस इज इक्वल टू पी आर कब रहेगा, हमने कन्वर्स ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा हुआ है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब आपको पी एस इक्वल टू पी आर लाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी एस का अपोजिट एंगल ये और पी आर का अपोजिट एंगल ये, मीन्स एंगल पी आर एस और एंगल पी एस आर दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा. सेगमेंट पी टी इज पैरेलल टू सेगमेंट एस आर, एंगल क्यू पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TPR, statement 1, reason ray PT is the bisector of angle QPR. अब आपके समझने के लिए मैंने क्या करा, इस फिगर पे से दो फिगर बनाया. अब देखिए यहां पर PT SR के पैरेलल है और QS क्या है, उनका ट्रांसवर्सल है. PT SR के पैरेलल है और QS उनका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, वो आपस में काउंट रहेंगे उसके अंदर. तो यहां पर लिखेंगे हम सेगमेंट पी टी इज पैरेलल टू सेगमेंट एस आर एंड सेगमेंट क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल सो एंगल क्यू पी टी QPT is congruent to angle PSR. Statement 2. Reason corresponding angles. अब उसी तरह और एक फिगर बनाए यहां पर अपने, पी टी पैरेलल एस आर के और पी आर उनका ट्रांसवर्सल है.
PTSR के पैरेलल है और PR उनका ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल TPR ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल PRS के, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है TPR, ये कॉन्ग्रुएंट है PRS के। तो यहां लिखेंगे हम सेगमेंट PT इज पैरेलल टू सेगमेंट SR एंड सेगमेंट PR इज द ट्रांसवर्सल। सो एंगल TPR is congruent to angle PRS. Statement 3. Reason alternate angles from 1, 2 and 3. वन में क्या है एंगल QPT कॉन्ग्रुएंट है TPR के, टू में क्या है एंगल QPT कॉन्ग्रुएंट है एंगल PSR के, थ्री में क्या है एंगल TPR कॉन्ग्रुएंट है एंगल PRS के। अब एंगल QPT एंगल TPR के कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल PSR किसके अकाउंट रहेगा, एंगल PRS के अकाउंट रहेगा। यहां लिख देंगे एंगल PSR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRS स्टेटमेंट 4। नाउ इन ट्रायंगल PSR एंगल PSR इज congruent टू एंगल PRS। From 4, angle PRS के congruent आ गए यहां पर, इसलिए उनके अपोजिट साइड congruent रहेंगे। सो सेगमेंट PS इज congruent टू सेगमेंट PR, रीजन कन्वर्स ऑफ isosceles triangle theorem। Therefore, PS is equal to PR. Here we complete question number 7. Question number 8 is in figure, segment AD is perpendicular to segment BC. Segment A is the bisector of angle CAB and C'E'D. Prove that angle DA is equal to 1 upon to angle C minus angle B. आपको क्या दिया हुआ है, AD BC पर perpendicular है, segment AE angle CAB को bisect करता है, तो एंगल बायसेक्टर क्या करता है, उस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है और ईच एंगल उस एंगल का हाफ रहता। तो यहां देखेंगे हम एंगल CAE इज इक्वल टू 1/2 एंगल CAB इन ब्रैकेट रे AE is the bisector of angle CAB. अब एंगल CAE as it is 1/2 एंगल CAB को सिर्फ क्या लिखेंगे, एंगल A लिखेंगे, एंगल A इक्वेशन 1। अब एंगल ADC जो है ट्रायंगल AD का एक्सटर्नल एंगल है,
तो यहां लिखेंगे एंगल एडीसी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एईडी। यहां पर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज करेंगे हम। एंगल एडीसी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल डीएई और एंगल एईडी इसके रिमोट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों की सम किसके इक्वल रहेंगी, एंगल एडीसी के इक्वल रहेंगी, या एंगल एडीसी इक्वल रहेगा इन दोनों की सम के। यहां लिखेंगे एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल डीएई प्लस एंगल एईडी इन ब्रैकेट रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल एडीसी 90 है, 90 माइनस एंगल एडी इज इक्वल टू एंगल डीएई, देयरफॉर एंगल डीएई इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल एडी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, एंगल एडी की वैल्यू मालूम करेंगे। इन ट्रायंगल एईसी वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वी राइट हियर एंगल सीएई प्लस एंगल एसीई प्लस एंगल एईसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सीएई, एंगल सी ए इक्वेशन 1 में सी ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन टू एंगल ए, यहां लिखेंगे 1 अपॉन टू एंगल ए प्लस एंगल ए सी ई को क्या लिखेंगे हम, एंगल सी लिखेंगे, एंगल सी प्लस एंगल ए ई सी को लिखेंगे एंगल ए डी इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 1 अपॉन टू एंगल ए माइनस एंगल सी 3। अब 3 से एंगल ए डी की वैल्यू 2 में रखेंगे हम, यहां हो जाएगा एंगल डी ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए डी की वैल्यू क्या है इस पे से, इन ब्रैकेट 180 माइनस 1 अपॉन टू एंगल ए माइनस एंगल सी ब्रैकेट क्लोज। एंगल डी इज इक्वल टू 90, यू ओपन दिस ब्रैकेट माइनस साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस 180 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन टू एंगल ए माइनस इंटू माइनस प्लस एंगल सी। एंगल डी इज इक्वल टू 1 अपॉन टू एंगल ए प्लस एंगल सी माइनस 180 प्लस 90 माइनस 90 इक्वेशन 4। नाउ यू फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन टू एंगल ए, फॉर दिस वी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर वन अपॉन टू एंगल ए प्लस वन अपॉन टू एंगल बी प्लस वन अपॉन टू एंगल सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू 180 वन अपॉन टू एंगल ए इज इक्वल टू इफ यू डिवाइड 180 बाय 2 वी गेट 90 प्लस वन अपॉन टू एंगल बी इट बिकम माइनस वन अपॉन टू एंगल बी माइनस वन अपॉन टू एंगल सी फ्रॉम 5 इक्वेशन 5 फ्रॉम 5 यू पुट द वैल्यू ऑफ वन अपॉन टू एंगल ए इन इक्वेशन 4 एंगल डी इज इक्वल टू 1 upon 2 angle A is 90 minus 1 upon 2 angle B minus 1 upon 2 angle C plus angle C minus 90. Angle DAE is equal to plus 90 minus 90 0. Minus 1 upon to angle C plus angle C is equal to 1 upon to angle C minus 1 upon to angle B. Angle DAE is equal to, we take 1 upon to common, 1 upon to in bracket, angle C minus angle B. Here we complete question number 8. Also we complete problem set 3. And chapter 3 of math part 2.